दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस फॉर ऑल चैनल में। दोस्तों, जैसे प्राइवेट स्टूडेंट जो फॉर्म भरना चाहते थे और कमेंट कर रहे थे बार बार, उनकी समस्या का समाधान हो चुका है और एग्जाम फॉर्म की तिथि आ चुकी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो जानकारी आपको दूंगा। फॉर्म का लिंक आपको कहाँ मिलेगा और कैसे क्या भरना है आपको पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको अगले जुड़ा हुआ प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप गूगल पर जाकर यूनिवर्सिटी की साइट खोलेंगे। साइट खोलने के बाद आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा, एकेडमिक एक्टिविटी। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर मिलेगा प्राइवेट स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों, आज 11 तारीख है, 11 तारीख को ये वीडियो अपलोड की जा रही है, तो अभी ये लिंक नहीं आया है। ये लिंक आपका 12 तारीख को शुरू हो जाएगा। 12 तारीख को यहाँ पे नीचे लिंक आने लगेंगे, यूजी स्टूडेंट एंड पीजी स्टूडेंट के अलग अलग लिंक आएंगे। 12 तारीख से ये लिंक शुरू हो जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, और आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये वीडियो जैसे 11 तारीख को अपलोड की जा रही है तो अभी लिंक नहीं है, लेकिन आपको सिंपल यहीं से लिंक ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ लिंक आ जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट उसका लिंक आ जाएगा, और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर करेंगे उनका भी लिंक होगा। उस पर लिखा होगा फिल सेकेंड ईयर फॉर्म, फिल थर्ड ईयर फॉर्म या प्रीवियस और फाइनल, सारे लिंक यहाँ मौजूद रहेंगे। आप फॉर्म भर पाएंगे और इसकी डेट 12 से 26 है। आप 12 तारीख से शुरू होगा और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप प्राइवेट कोर्स में जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं, सारा सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने आपको डेट बता दी और लिंक बता दिया आपको कहाँ से ओपन करना है। ये प्राइवेट स्टूडेंट की डेट थी। और जो एक्स स्टूडेंट हैं जो री एग्जाम में भी फेल हो गए थे और जो एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें भी फेल हो गए थे, तो वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे। उसके लिए वो उसकी भी डेट 12 दिसंबर से 26 दिसंबर डेट है, और वो लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, कॉलेज के थ्रू ही फॉर्म भर दें। एक्स स्टूडेंट का कॉलेज से संपर्क कर लें और कॉलेज के थ्रू फॉर्म भर दें। और दोस्तों, जैसे कि री एग्जाम की जो BEd LLB के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहाँ पे जो लिंक है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें आपको दो लिंक लिखे हैं। इसमें लिखा है क्लिक फॉर बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और दूसरा है क्लिक फॉर बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म LLB एंड BA LLB। और इसमें ये लिखा हुआ है जो लास्ट डेट जो बैक पेपर की डेट है वो 12 दिसंबर है, और इसमें लिखा है स्टूडेंट चूज मैक्सिमम वन पेपर इन इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर आपको किसी एक पेपर में नंबर कम लगे, सुधार करना चाहते हैं, तो आप कर भर सकते हैं एक पेपर के लिए। स्टूडेंट चूज मैक्सिमम टू पेपर इन री एग्जाम, आप दो पेपर BA LLB में चूज कर सकते हैं। ऐसे सारा डेटा दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना दी है। तो आपको इस वीडियो में सिंपल दो जानकारी देनी थी कि BEd प्राइवेट फॉर्म आ चुके हैं जो कि 12 तारीख से 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे, और जिसका लिंक आपको एकेडमिक टी में क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्राइवेट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। 12 तारीख से 26 तारीख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। और एक्स स्टूडेंट वाले हैं, उनकी भी डेट 12 से 26 दिसंबर है, वो अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, कॉलेज से संपर्क कर लें और 12 से 26 के बीच में फॉर्म भर दें। और कोई अगर जानकारी रहे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो दोस्त थे जिनके री एग्ज़ाम के रिजल्ट रुके हुए हैं, उनकी भी जानकारी दे दूँ। आप सिंपल रिजल्ट पर ओपन करेंगे, 18-19 पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ नीचे आके क्लिक फॉर मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगा जैसे कि BSc पार्ट वन सेकेंड, BCom थर्ड ईयर, BCom सेकेंड, और कई सारे रिजल्ट आ चुके हैं। इसमें कुछ रिजल्ट रह गए हैं जो कि 25 दिसंबर तक सारे अपलोड हो जाएंगे। तो आप सिंपल अपना यहाँ रोल नंबर डाल के चेक करते रहें, 25 दिसंबर तक री एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे BA BEd और LLB वालों को छोड़ के, क्योंकि उनके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में तीन जानकारी थी। प्राइवेट फॉर्म की डेट आ चुकी है, 12 से 26 दिसंबर भरे जाएंगे। दूसरा, एक्स स्टूडेंट के भी 12 से 26 दिसंबर को भरे जाएंगे, वो अपने कॉलेज से संपर्क जरूर कर लें, एक्स स्टूडेंट वाले। और प्राइवेट वाले तो साइट पे एकेडमिक एक्टिविटी और प्राइवेट वाले लिंक पर क्लिक करके 12-26 के बीच में फॉर्म भर दें। तीसरा, अगर आपका री एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहें, आपका 25 दिसंबर तक सभी के रिजल्ट आ जाएंगे और आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और चौथी जानकारी मैंने आपको जो वीडियो में दी थी कि BEd और LLB वालों के री एग्ज़ाम भरे जा रहे हैं, री एग्ज़ाम के फॉर्म, और उनकी 20 तारीख लास्ट डेट है, और वो आप बैक एग्जामिनेशन 18-19 पर क्लिक करके उसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
आपको इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, लिंक पे जाके क्लिक करना है, जैसे कि लिंक लगा हुआ है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और अपनी ईयर चूज करेंगे, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, चूज करने के बाद आपका डेटा खुल के आ जाएगा। आपको सिंपल एक फ़ोटो अपलोड करना है, 100 KB से 150 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, और आपको पेपर सेलेक्ट करना है कौन कौन से आपको पेपर रखने हैं, एक पेपर आपको देना है या दो पेपर देने हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद 1000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। उसकी दो स्लिप निकलेंगी, एक कॉलेज कॉपी एक स्टूडेंट कॉपी। कॉलेज कॉपी आप कॉलेज में लाके ले जाके सबमिट कर सकते हैं। और कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।